A4 कागज की क्या खास बात है कि इसको अगर हमने दो भागों में बांटा तो ये जो बना दो कागज बराबर बराबर, ये A5 हैं। अगर A4 को दो बराबर भागों में बांटें तो A5 है, और दो A4 ले लें तो क्या बनेगा उसी तरह A3, और दो A3 तो A2, और दो A2 तो A1, और दो A1 तो A0 तक जाता है। और ए सारे A's की खास बात क्या है कि इन सब की लंबाई, ये चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात है वो बराबर है, यानी इसका जो अनुपात है वो A4 का भी है। A5 का अनुपात A4 के आधे का अनुपात और A4 का अनुपात बराबर है, ऐसा सोच लीजिए। और हमें क्या करना है अभी फटाफट, ये पता करना है कि वो रेशियो क्या है। 4/3, चलिए 4/3 और 5/4 करके देखते हैं। अगर 4/3 मतलब है तो ये 4 और ये 3, और अगर आधा कर दिया तो क्या बटेगा, 3/2, तो बराबर नहीं हुआ। 4/3 का आधा करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, तो बराबर नहीं है। आपने क्या कहा, 5/4, 5/4 का आधा करेंगे तो 4/2, 4/2 और 5/4 बराबर नहीं है। क्या कर सकते हैं, एक समीकरण लिख सकते हैं बहुत सरल। ये R है और ये 1 है, तो पहले A4 का रेशियो R है और उसके बाद आधा कर दिया तो ये R/2 हो गया, तो फिर रेशियो क्या बन गया, ये वाली बड़ी भुजा हो गई ना, तो 1/R/2। इसको अगर करेंगे तो ये आ जाएगा R² बराबर, तो R बराबर ऐसी संख्या जिसको उसी से गुणा करें तो 2 आ जाए, उसको वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट 2 कहते हैं।